लेक्चर हमने क्या पढ़ा था वेलकम बैक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ रिकैप शॉर्ट रिकैप ऑफ़ व्हाट वी स्टडी इन द लास्ट लेक्चर एंड देन वी विल स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक व्हिच विल बी द लास्ट ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर तो लास्ट में हमने पढ़ा था थ्री पॉइंट थ्री एज यू कैन सी सॉरी या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसके बाद हमने देखा था कि किस पाए साइन पाए कॉस एक्स साइन एक्स ये सब कहाँ ज़ीरो होते हैं नहीं होते हैं ये सब हमने देखा था नेक्स्ट व्हाट वी सॉ डिग्री मेजर साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव ये सब मैंने डिस्कस करा था देन 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 वी हैड दिस डोमेन एंड रेंज ये सब तो ऑब्वियसली प्रीवियस लेक्चर्स में ही हुआ था सो प्रीवियस लेक्चर्स या विडिट दिस हाँ सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर ओनली हमने पढ़ा था सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स की साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स तो ये होता है ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था जो डिराइव किया था एंड देन वी हैड दिस ये सब तो सारे फार्मूलाज हमने पढ़े थे बहुत अच्छे से देखा था कैसे कैसे आता है कैसे नहीं आता है ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने ओवरऑल पढ़ी थी जैसे कि ये वाली कॉट कॉस टू एक्स की कितने सारी चीज़ें साइन पढ़ा था हमने कि साइन की भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं या हेयर वी गो विद एट फिफ्टीन नंबर में फिर ये सब सब हमने डिराइव विराइव कर लिया था अब आगे चलते फटाफट ये ट्वेंटी वन में हमने ये पढ़ा था ये हमने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए अभी आप देखोगे कि कितनी बड़ी यूज है इसकी पिछले में देखा ही था बट इसमें भी देख फिर हमने ये कर रहे थे सॉल्व नहीं कर रहे थे बट या वी डिस्कस डिट तो जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है तो अगर हम लोग कोई इक्वेशन लेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वेरिएबल्स उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहेंगे ओके नाउ इन दिस सेक्शन वी सेल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशंस। तो उस टाइप की इक्वेशन के हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द वैल्यूज ऑफ साइनिक्स एंड कॉसिक्स रिपीट आफ्टर टू पाई हमने देखा था कि टू पाई के बाद साइनिक्स और कॉसिक्स की वैल्यू लेकिन एक चीज़ हमने जो देखा था वो था कि टेन एक्स जो है वो पाई में ही रिपीट हो जा रहा था सो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर ज़ीरो से टू पाई जीरो से टू पाई के बीच में अगर हमें कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं किसी भी इक्वेशन के तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हम उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं पर हमें क्या पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो रिपीट करते हैं कंटिन्यूसली आफ्टर सम इंटरवल तो इसलिए हमें वैल्यूज़ मिलते ही चले जाएंगे अगर हम एन की वैल्यूज़ चेंज कर दे तो तो जब हमें बहुत सारी वैल्यू मिलती है तो हम उसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन जिसे हम दिखाते हैं सॉरी जेड तो इंटीजर्स के लिए हो गया एन वैरी करता है इंटीजर्स में तो इसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन देखेंगे आगे क्या होता है एग्जाम्पल से जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है हमें कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू तो अगर आप एक्स का ग्राफ याद करोगे तो वो कुछ इस टाइप की थी और यहाँ से स्टार्ट होके कुछ ऐसे जा रही थी याद है ये ज़ीरो से टू पाए मतलब यहाँ पे टू पाए है अब आप देखो सपोज कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है यहाँ पे ये वाली जो है ये एक वैल्यू है तो आप देखो ये वैल्यू दो बार अटैम्प्ट हो रही है टू पाई में उसी तरीके से ज़ीरो से टू पाई में कुछ वैल्यूज़ आएंगी तो हमें सिर्फ जीरो से टू पाई में फ़ाइंड करना क्योंकि हमें यहाँ क्या बोला फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो अब हमें क्या बोला है साइन एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू तो रूट थ्री बाई टू का मतलब क्या हुआ अगर आप वापस से देखो तो रूट थ्री बाई टू समेयर है मान लो आ गई तो वो दो बार अटैम्प्ट हो रही है वैल्यू तो ये दो बार जब अटैम्प्ट हुई है इसका मतलब क्या हो गया कि दो वैल्यू मिलेगी हमें ज़ीरो से टू पाई के बीच में क्योंकि टू पाई तो यहाँ पे निगेटिव में है और हमें पॉजिटिव तो दो बार मिलेगी अब वो दो बार क्या होगी अब देखिए रूट थ्री बाई टू जो है वो कब आती है जब हम लोग पाई बाय थ्री करते हैं है ना तो बाई थ्री मतलब क्या हुआ समवेयर हेयर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन के बारे में पूछा है साइन कहाँ पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वारन में मतलब अगर पाए बाई थ्री की वैल्यू रूट थ्री बाई टू है और अगर यहाँ पे समवेयर उसकी वैल्यू रूट थ्री बाई टू आएगी लेकिन कब आएगी जब मैं पाए में से पाए माइनस थ्री कर दूँ क्योंकि साइन ऑफ पाए माइनस पाए बाई थ्री क्या होती है साइन पाए बाई थ्री ये वाली तो इसलिए इसकी वैल्यू जो आएगी वो पाए बाई थ्री भी होगी और टू पाई बाई थ्री होगी क्योंकि थ्री पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई थ्री तो ये क्या देगी हमें टू पाई बाई थ्री ठीक है तो ये दो उसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गई नेक्स्ट हमें क्या बोला फाइंड करने फिर से प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस बार किसका बोला टेन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई रूट थ्री अगेन बैक टू कॉडरेंट पिक्चर टेन एक्स निगेटिव टेन एक्स क्या है हमारे पास निगेटिव टेन एक्स कब कब निगेटिव होता है सबसे पहला जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है दूसरा जब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो जैसे ही आपको सेकंड क्वाड्रेंट में कोई चीज को लानी हो तो आप क्या करोगे पाई में से कुछ घटाओगे मतलब पाई माइनस थीटा करोगे अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लानी है तो आप क्या करोगे टू पाई माइनस थीटा करोगे तो आपकी वो चीज़ें फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी ओके तो अब टेन की वैल्यू वन बाय रूट थ्री क्या होती है हम हमेशा मॉट वाट को देखेंगे मतलब जो वैल्यूज है उसको देखेंगे तो वन बाई रूट थ्री कब आती है जब पाए बाय सिक्स होती है तो पाई बाय सिक्स जब होती है तब इसकी वैल्यू जो आती है वो वन बाय रूट थ्री आती है लेकिन हमें क्या चाहिए निगेटिव तो एक बार हम इसको पाए में से माइनस कर देंगे पाए माइनस पाए बाय सिक्स और एक बार हम इसको टू पाए में से पाए माइनस सिक्स कर देंगे सॉरी पाए बाय सिक्स तो ये जो दो वैल्यू आएगी यही हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू मतलब एक आएगी हमारे पास पाव पा, फाइव पाई बाई सिक्स और एक आ जाएगी इलेवन पाई बाई सिक्स तो ये जो वैल्यू आई यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस इक्वेशन की अब हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या हुआ साइनेक्स जीरो कब होता है जब एक्स इक्वल्स टू एन पाई हो ये हमने पहले देखा था और कॉस एक्स जीरो कब होता है जब ये होता है अब हमें क्या करना है जनरल वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम लोग तीन थ्योरम्स पहले पढ़ लेते हैं साइन कॉस और टेन के टर्म में जिसके वजह से हमें आने वाले चीज़ों में बहुत हेल्प मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट थ्योरम देखते हैं ओके सो so, फर्स्ट थ्योरम क्या बोल रहे हैं फॉर एनी रियल नंबर्स एक्स एंड वाई कोई भी रियल नंबर हमने एक्स एंड वाई ले लिया और साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई हो गया तो फिर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी मतलब ये हो गई हमारी जनरल सॉल्यूशन तो इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये होगी तो ये कैसे प्रूफ होगी कि अगर साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई है इसका मतलब क्या हो गया साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल्स टू जीरो अब इसका तो फॉर्मूला हमें पता है विच इज दिस टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा ये भी जीरो ये भी जीरो या तो ये ज़ीरो या तो ये ज़ीरो या तो दोनों ज़ीरो कुछ भी हो सकता है तो इसको भी हमने ज़ीरो मान लिया और इसको भी हमने ज़ीरो मान लिया तो क्या हुआ अब देखो एक्स प्लस वाई बाई टू ज़ीरो कब आता है आप यहाँ से मिला लो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए टू वन प्लस वन पाई बाई टू तो यानी एक्स प्लस वाई बाई टू की वैल्यू क्या होगी टू वन प्लस वन पाई बाई टू और एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी एन पाई क्योंकि साइन में है यहाँ से सॉरी hmm, या yeah. तो यहाँ से होगी अब अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास टू एन प्लस वन पाई माइनस वाई और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास टू एन पाई प्लस वाई दो वैल्यूज़ मिल गई आपको अब आपको क्या करना है आ, ये x की वैल्यू कैसे मिली है ना कि टू एन प्लस वन पाई बाई टू इसको हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगी हमें टू एन प्लस वन और पाए और वाई को इधर माइनस कर दिया मतलब माइनस वाई तो ये पहली वाली मिल गई और दूसरी वाली भी वैसे ही मिल जाएगी तो अल्टीमेटली ये और ये दो चीज़ें मिल गई हमें अब हमें क्या करना है इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करना है फॉर कंप्लीट आंसर ऑफ दिस तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ऑड है इसलिए माइनस वन की पावर जब भी वन हो मतलब अगर सपोज़ करो यहाँ पे माइनस वाई लिखी हुई है तो माइनस लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस वन की पावर टू एन प्लस वन भी लिख सकते हैं एन की कुछ भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी हमेशा निगेटिव ही देगी हमें तो जैसे ही निगेटिव देगी तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख दिए और यहाँ प्लस वाई है तो इसलिए टू एन लिख लिए क्योंकि तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आप क्या बोल सकते हो कि ये सारे वैल्यूज़ ले, ले ले रही है मतलब ये पूरी की पूरी एन पाई ले ले रही है और ये माइनस वन की पावर एन ले ले रही है तो ये आपकी अल्टीमेट सॉल्यूशन हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई होगा तो एक्स इक्ल्स टू ये मिलेगी हमें ओके उसी तरह से कॉस के लिए है कॉस के लिए आप खुद से प्रूफ करना मैं सिर्फ आपको दिखा देती हूँ क्या आएगी अल्टीमेटली कॉस के लिए आपकी आती है ये मतलब कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई होगा तो एक्स इक्स टू ये होगा सेम विद द टेन आल्सो टेन के लिए भी जब टेन एक्स इक्वल्स टू टेन वाई होगा तो एक्स इज इक्ल्स टू एन पाई प्लस वाई होगा फाइन इसको भी हम लोग वैसे ही दिखाएंगे एक बार टेन का देख लेते हैं कि किस टाइप का प्रूफ जाता है सी सो ईजी अब आपको सोचना है कि ये सब क्यों हो रहा है क्या हो रहा है क्योंकि मैं बता चुकी हूँ ये क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है कि साइन एक्स माइनस वाई जीरो क्योंकि ये फॉर्मूला ही है साइन एक्स माइनस वाई का आप देख लो साइन एक्स माइनस वाई का आप फॉर्मूला लिखो आपको पता चल जाएगी कि ये क्यों आ रही है ओके okay? नेक्स्ट नेक्स्ट मूव ऑन टू द एग्जाम्पल या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू डू दिस ना सो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू ओके तो हमें ये फाइंड करना है तो साइनेक्स की वैल्यू क्या है माइनस रूट थ्री बाई टू मतलब कि साइन एक्स कहाँ पर हैं मे बी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट मान लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में चीज़ को किसी भी चीज़ को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें पाए प्लस थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी रूट थ्री बाई टू यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास पाए बाई थ्री सो so, पाई प्लस पाए बाई थ्री विच इज़ फोर पाए बाई थ्री ओके okay? इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास साइन एक्स इजिकल्स टू साइन फोर पाए बाई थ्री हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ ले आया अब हमें पता है एक्स की वैल्यू क्या होती है एन पाए प्लस माई माइनस वन की पावर एन और फिर थी वाई वाई क्या है यहाँ पे फोर पाई बाई थ्री तो फोर पाई बाई थ्री लिख दिया एंड वी गॉट दी आंसर सो द सॉल्यूशंस अपटेंट विल बी द सेम ऑल्दो दीज मे अपेरेंट लुक डिफरेंटली अगर आप थोड़ा सा इधर उधर चेंज भी कर लोगे तो आप कुछ भी वैल्यू लो लेकिन आपको ओवरऑल जो आंसर मिलेगी वो सेम ही आनी चाहिए सो सॉल्व फॉर कॉस एक्स इक्वल्स टू हाफ़ और हाफ कब आती है जब पाई वाई थ्री लेते हैं हम लोग सो so, पाई वाई थ्री लिया एक्स की वैल्यू निकाल दी इट्स डैम ईजी डैम डैम ईजी बहुत ज़्यादा आसान होती है ये सब सॉल्व करने के लिए मतलब जस्ट क्विक सॉल्विंग क्वेश्चन है ये सब और ये सब एग्जाम में तो डेफिनेटली ऐसे वन मार्क्स थ्री मार्क्स में ये सब आते ही हैं तो दीज आर ईजी वन सो so, नेक्स्ट क्या है या दिस इज एन आई गेस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन या इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई गेस एनी वे देखते है क्या क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि टेन टू एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस फाइव बाई थ्री समी हैव टू सॉल्व तो हमने क्या किया माइनस कॉट ऑफ समथिंग है तो उसको हम लोग टेन में चेंज कर सकते हैं क्योंकि अगर आप देखो टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है ठीक है पर अगर आप पाई बाई टू प्लस थीटा कर दोगे तो वो निगेटिव में आ जाएगा इसलिए हमने निगेटिव को जब पाई बाई टू प्लस थीटा से रिप्लेस किया तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे दिया अब आ गया हमें टेन टू एक्स इक्वल्स टू मतलब टेन एक्स इक्वल्स टू टेन वाई के टर्म्स में अब देखो टेन एक्स इक्व टू टेन वाई हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि टू एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस एक्स प्लस फाइव पाई बाई सिक्स वही हमने लिखा वही हमारी आंसर हो गई this was it. next come the next question which is this sin 2x एक्स माइनस साइन फोर एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स को हमें ज़ीरो दिखाना है मतलब जीरो है तो x की वैल्यूज है तो आपको कुछ नहीं करना है सॉल्व करते जाओ ये साइन टू एक्स और साइन सिक्स एक्स को पकड़ लो या फिर साइन टू एक्स और साइन फोर एक्स को किसी को भी आप पकड़ के बस सॉल्व कर दो तो आपकी कुछ इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी जहाँ पे साइन फोर एक्स ज़ीरो और कॉस एक्स इक्वल्स टू हाफ आ जाएगी और साइन फोर एक्स जीरो का मतलब क्या हो गया फोर एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई यानी एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई बाई फोर ये एक सॉल्यूशन मिल गई हमें यहां पे। दूसरे क्या है हाफ कब आती है जब पाई बाई थ्री का इक्वल होता है मतलब पाई बाई थ्री प्लस माइनस टू एन पाई ये हो जानी चाहिए हमारी कॉस के लिए सॉल्यूशन विच इज दिस सो इट वॉज इजी जस्ट यू हैव टू सॉल्व एंड सी नेक्स्ट क्या है टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो अब देखो आप कॉस्क्वायर एक्स है कॉस्क्वायर एक्स को आपको साइन लिख सकते हो साइन जैसे ही लिखोगे मतलब आपको एक टर्म में बेसिकली लाना है तो साइन एक्स को कॉस एक्स में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो हमने साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया क्वाड्रेटिक हमारा यहाँ पे आइडिया है कि हमें क्वाड्रेटिक बनाना है ये देखो क्वाड्रेटिक बन गया सॉल्व किया हमने तो आ गया एक साइन एक्सलू टू साइन एक्स इक्व टू टू नहीं पॉसिबल है क्योंकि साइनेक्स का रेंज हमने पढ़ा था कि वो माइनस वन से ले कर के यहाँ पे साइन एक्स वन तक ही जाती है इसका मतलब कि वी कैनॉट टेक द वैल्यू ऑफ साइन एक्स टू बी टू ग्राफ से भी हमने देखा था कि ये कभी भी ऐसे ही चलती है ये मैक्सिमम वैल्यू वन होती है और टू तो कहीं यहाँ पर होगी इसकी जहाँ पर साइन की कोई अदा पता नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू ऐसी हो जाएगी सो साइन एक्स इक्व टू माइनस हाफ़ और साइन सेवन फाइव बाई सिक्स इक्व टू माइनस हाफ़ सो so, अगर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेगा तो ये दो हो जाएगी और अगर सॉरी ये हो जाएगी और अगर आपको जनरल बोला तो कुछ नहीं करना आपको पता ही है एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन सेवन पाई बाई सिक्स लिख देना है विच विल बी दी आंसर सो इट वॉज मच ईजी गाई सो यू बेटर सॉल्व इट एंड लेट मी नो दैट वेदर यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट नेक्स्ट क्या प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों बोला निकालने के लिए टेन एक्स इक्ल्स टू रूट थ्री दे दिया है टेन एक्स इक्ल्स टू रूट थ्री कब होता है टेन एक्स इक्ल्स टू रूट थ्री कब आएगा जब पाई बाई थ्री होगी तो टेन एक्स इक्ल्स टू फाइव बाई थ्री होगी मतलब कि सॉरी टेन एक्स इक्वल्स टू टेन पाई बाई थ्री टेन फाई बाई थ्री इज ऑलवेज रूट टू रूट थ्री तो अब आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगी यहाँ से एक्स इक्ल्स टू एन पाई प्लस फाइव बाई थ्री हो जाएगी uh, यहाँ से एज यू कैन सी टेन के लिए वी हैड दिस इज कहाँ पढ़ा था हमने या हेयर वीगो एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस थीठा हो जाती है सो so, यहाँ पे भी सेम काम हुआ है एन पाई प्लस रूट थ्री बाई टू आ गई वैल्यू हमारी एन पाई इक्वल्स टू एन पाए प्लस रूट थ्री एन पाई प्लस पाई बाई थ्री आ गई अब एन की वैल्यू आप ज़ीरो पुट करोगे तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको मिल गई पाई बाई थ्री एन की वैल्यू आप वन पुट करोगे तो आपको मिल जाएगी फोर पाई बाई थ्री एन की वैल्यू आप टू पुट करोगे तो फिर वो टू पाई के बाहर चली जाएगी तो नो no नीड तो ये दोनों हो जाएगी आपकी जनरल सोल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन तो इधर हमने फाइंड कर लिया उसी तरह से ये ये ये, ये आप सब फाइंड कर लेना फिर ये सब भी मैंने बता ही दिया कॉस्ट फोर एक्स इक्ल्स टू कास्ट टू एक्स है एक चीज़ बता देती हूँ इट्स एन इंटरेस्टिंग तो फोर एक्स इजिक्वल्स टू क्या हो जाएगी यहाँ से hmm, क्या थी टू एंड पाई एंड प्लस माइनस टू एक्स थी आई गेस या तो यहाँ से अब आपको कुछ नहीं करना है दो वैल्यूज़ आएगी एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस आई थिंक प्लस माइनस ही होती है ना जस्ट अ मिनट लेट मी चेक ऐसा नहीं कि मैं गड़बड़ बता दूँ या प्लस माइनस ही होती सी हैवी गो या प्लस माइनस होती है तो प्लस माइनस जैसे ही हमने करा प्लस माइनस हमने करा तो आ जाएगी अब एक बार आप प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो फिर जो आंसर आएगी वो आपकी आंसर हो जाएगी उसी तरह से ये सब सॉल्व कर लेना नेक्स्ट कम्स टू द मिसलेनियस एग्जाम्पल्स मिसलेनियस एग्जाम्पल में क्या बोला है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन एक्स की वैल्यू आपको थ्री बाई फाइव दी गई है कॉस वाई की वैल्यू माइनस ट्वेल्व बाई थ्री गई और आपको साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू गई है नेक्स्ट एक्स क्या बोला है सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई क्या बोला सेकेंड क्वाड्रेंट में तो इसलिए हमारा साइन पॉजिटिव है और कॉस निगेटिव है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कॉस निगेटिव होता है तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है साइन एक्स प्लस वाई तो साइन एक्स प्लस वाई की हमें फॉर्मूला पता है वो होती है कुछ ये अब यहाँ से हमें साइन एक्स की वैल्यू तो पता है थ्री बाई फाइव और कॉस वाई की वैल्यू पता है माइनस ट्वेल्व बाई थ्री पर हमें यहाँ से कॉस एक्स और साइन वाई की वैल्यू निकालनी है अब आपको कॉस एक्स निकालनी है तो कॉस एक्स स्प्रेटिंग मचीजी प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस साइंस कर दो आपको आपकी आंसर मिल जाएगी तो ये आएगी कुछ सिक्सटीन बाई फाइव यानी कि फोर बाय फाइव प्लस माइनस में लेकिन अब बात होती है कि क्या ये प्लस होगी या क्या ये माइनस होगी क्योंकि कॉस है और कॉस सेकेंड क्वार्टर में क्या होती है निगेटिव सो इट विल बी ने निगेटिव गाइज एज़ यू कैन सी हेयर देखिए उसी तरह से साइन फाइंड कर लो सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होती है तो साइन पॉजिटिव आ गई आपकी अब इन सब को उठा के आप यहाँ पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर कैसे लेट्स सी सो हेयर वी हैव सम माइनस फिफ्टी सिक्स बाई सिक्सटी फाइव हो दैट वॉज इट आई थिंक नेक्स्ट ये माइनस फिफ्टी सिक्स बाई सिक्सटी फाइव क्या इंडिकेट कर रही है कि जब आप एक्स प्लस वाई कर रहे हो तो ये या तो थर्ड या तो फोर्थ में चली जा रही है मे बी थर्ड आई गेस जिसमें भी जा रही है ये निगेटिव आ रही है इसका मतलब थर्ड या फोर्थ ही होगी एनी वे सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट ये हमें प्रूफ करना है ये बहुत ही ईजी है कॉस टू एक्स कॉस एक्स बाई टू सारी कॉस थ्री एक्स और कॉस नाइन एक्स बाई टू हमने टू कोस ए और कॉस बी मल्टीप्लाई में इसकी हमने वैल्यू पढ़ा था और इसी का हम लोग यूज़ करेंगे इसलिए हमने हाफ से डिवाइड किया टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया अब ये टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला हमने लगाया तो हमें ये दो टर्म मिल गया और यहाँ पे जब लगाया तो ये दो टर्म मिल गया नेक्स्ट कॉस ए प्लस कॉसबी का भी हमने फार्मूला पढ़ा था या yeah. ये बाद में लगाएंगे पहले इसको सॉल्व किया हमने तो दो टर्म हमारा कट गया सी ये और ये कट गया तो बचा क्या सिर्फ ये अब यहाँ पे हम जैसे ही कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला लगाएंगे वो साइन के टर्म में आएगा एंड वी विल अराइव एट आवर आंसर विच इज़ दिस दिस इज़ आर आंसर नेक्स्ट क्या है हमारे पास टेन पाई बाई एट की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने x को पाई बाई एट मान लिया तो टू एक्स हमारा हो गया पाई बाई फोर हमें पाई बाई फोर में इसलिए लाना था था क्योंकि टेन में हमें पाई बाई फोर की वैल्यू पता है अब टेन टू एक्स की वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है टू टेन एक्स बाय वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे पाई बाई एट जो हमने कंसिडर किया था तो हमारी आ जाएगी टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कुछ ऐसी और यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक के तौर पे जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वाई वगैरह कुछ भी मान के तो जो हमारी आंसर आ जाएगी वो कुछ ऐसी आ जाएगी पर पाई बाई एट कहाँ रहती है फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि वाई क्या है हमारी ऑलवेज पॉजिटिव आएगी टेन पाए बाई एट इसका मतलब कि टेन पाई बाई एट की जो वैल्यू आएगी वो रूट टू माइनस वन आ जाएगी क्योंकि रूट टू की वैल्यू होती है वन पॉइंट फोर वन फोर समथिंग 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 और इसमें जब हम वन घटाएंगे तो ये बचेगी ज़ीरो पॉइंट फोर वन फोर समथिंग 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 दैट्स इट इज इसके बाद आप ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लेना मैं ज़्यादा हिंट नहीं देने वाली अब साइन एक्स बाई टू ये सब में जस्ट फार्मूला लगेगी आपकी साइन टू एक्स कॉस टू एक्स और टेन टू एक्स की आप खुद से ट्राई कर लो अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना देन आई विल डिस्कस इफ एनी प्रॉब्लम यू हैव सो एक्स कहाँ पे है ये मैटर करता है ये आपको पता करना पड़ेगा एक्स जहाँ पे भी होगी उसके हिसाब से आपको सारी पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर नेक्स्ट हमें कुछ इस टाइप का इसको भी हमें वैसे ही सॉल्व करना अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप वो याद कर लो अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप जैसे ही समरी में जाओगे इस समरी को आप पूरी पढ़ लेना अब आप जैसे इस समरी को पूरी पढ़ोगे आपको हर एक फॉर्मूला पूरे अच्छे अच्छे से याद हो जाएगा मतलब इस पेज को तो आपको घोल के पी जाना इन शॉर्ट में बोलो तो आपको इतने अच्छे से याद होनी चाहिए कि हर एक फार्मूला एकदम मुंह में एकदम बोलते हैं ना कि रोट बाय हर्ट वैसा वाला याद हो जाना चाहिए आपको तो ये भी आपको हो जाएगी ये आप ज़रूर पढ़ लेना एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल नोट आई विल सजेस्ट कि आप इसको फुल रीड करो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले इंडिया में ही स्टार्ट हुई थी और यहीं से मिला था जो भी हम लोग tan पढ़ते हैं वो टैन हमें सन की एल्टीट्यूड वगैरह कुछ बताती है एंड एवरी थिंग इज़ लाइक कि इंडिया में ही ट्रिग्नोमेट्री आई और इंडिया से ही ये स्टार्ट भी हुई है एक्चुअली फर्स्टली बाकी जब अभी आई थी पर इंडिया लाया गया था वो इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल था कि जैसे ही वर्ल्ड को पता चला इट वॉज़ वेरी इजिली एक्सेप्टेबल आप इसे आई विल सजेस्ट कि आप इसे फुल रीड कर लो बहुत सो गाइज दैट्स वॉट प्रेटी मच फॉर इट तो ये थी आपकी चैप्टर थ्री ट्रीगोनोमेट्री जो कि मैंने ऑलमोस्ट चार लेक्चर में ख़त्म किया है तो अगर इसमें से कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन दमेंट और यू कैन आस्क वाट एवर डाउट हैव और अगर आपको अच्छा लगो तो लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग